गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों, आज मैं आपको अनौपचारिक पत्र लिखना सिखा रही हूँ। इसका टॉपिक है अपनी बहन की शादी में निमंत्रित करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे, यानी अपने मित्र को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको उसे निमंत्रित करना है अपनी बहन की शादी में आने के लिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अपना एड्रेस, आप जहाँ से लिख रहे हैं उस एड्रेस को लिखेंगे। मैंने यहाँ रांची का दिया है। इसके पहले मैंने जो अनौपचारिक पत्र दिया था आपको, उसमें मैंने डाल्टनगंज का दिया था। तो यहाँ पर आप जो भी एड्रेस लिखना चाहें, जहाँ का भी लिखना चाहें, आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने रांची का दिया है। तो सबसे पहले आप जिस एरिया में रहते हैं उसका आप लिखेंगे, जैसे अशोक नगर, यानी रांची के अशोक नगर से ये पत्र लिखी जा रही है। तो यहाँ सबसे पहले लाइन पर मैंने लिखा अशोक नगर, दूसरे लाइन पर मैंने लिखा उस डिस्ट्रिक्ट का नाम जहाँ से यह पत्र लिखा जा रहा है, रांची, और दिनांक। आप दिनांक लिखना मत भूलिएगा, दिनांक भी ठीक उसके नीचे आप लिखिएगा। यानी सबसे पहले उस क्षेत्र का नाम लिखिएगा जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं, और फिर उसके बाद तारीख यानी डेट आप जरूर लिखिएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप वहाँ लिखिएगा प्रिय मित्र अमन, आपके मित्र का जो भी नाम है आप लिखना चाहें या ना लिखना चाहें, आप जैसा आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी इच्छा हो। अगर नाम लिखने की इच्छा है तो आप लिखिए प्रिय मित्र अमन, या फिर आप सिर्फ लिख सकते हैं प्रिय मित्र। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्रिय मित्र अमन, नमस्ते। अब यहाँ से हम अपना सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सब्जेक्ट में आपकी मूल बातें, यानी जिस उद्देश्य से आप पत्र लिख रहे हैं, वो यहाँ पर आपका होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जैसा कि टॉपिक है, आप उसे अपनी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए या शामिल होने के लिए यह पत्र लिख रहे हैं, तो उसे इस सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, प्रिय मित्र, आज मुझे यह पत्र लिखते हुए काफ़ी खुशी हो रही है, और तुम्हें भी यह जानकर काफ़ी खुशी होगी कि मेरी बड़ी दीदी सुगंधा की शादी 10 सितंबर को होना निश्चित हुआ है। यानी सबसे पहले आप इशार करेंगे उस पत्र को लिखते हुए कि मुझे काफ़ी खुशी हो रही है यह पत्र लिखते हुए, क्योंकि मैं तुम्हें एक खुशखबरी भी देने वाला हूँ इस पत्र के माध्यम से, और यह जानकर तुम्हें काफ़ी खुशी होगी कि मेरी बहन की शादी तय हो गई है और वह 10 सितंबर को होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि इस अवसर पर तुम अपने पूरे परिवार के साथ सम्मिलित हो, यानी आप उसके पूरे परिवार को इसमें शामिल होना देखना चाहते हैं। तो आप इस बात को ज़रूर लिखेंगे कि अपने पूरे परिवार के साथ सम्मिलित हो, यानी आपने अपने मित्र के साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी आमंत्रित किया है। तुम्हारे आने से हम लोगों को काफ़ी मदद तो मिलेगी ही, और हमारा उत्साह भी दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने इस पत्र में लिखा है कि तुम्हारे आने पर तो मुझे खुशी होगी ही, और चूँकि तुम हमारे फैमिली के काफ़ी क्लोज हो और तुम्हारा फैमिली भी हमारे काफ़ी क्लोज है, तो तुम लोगों के आने पर हम लोगों को थोड़ी सहायता भी मिलेगी, सहयोग भी मिलेगा, और हमारा उत्साह यानी आनंद भी दोगुना हो जाएगा। तुम शादी से एक सप्ताह पहले आकर मेरा हाथ बटाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यानी शादी में तो काफ़ी परेशानियाँ होती ही हैं, तो अगर तुम मेरा सहयोग देने के लिए कुछ दिन पहले आ जाओगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा तुम्हारा आना और तुम्हारे परिवार का आना। पत्र के साथ शादी का निमंत्रण पत्र भी भेज रहा हूँ। यहाँ दूसरी बार में आप लिखिएगा कि मैं पत्र के साथ
शादी का निमंत्रण पत्र भी यानी शादी का निमंत्रण कार्ड भी भेज रहा हूँ, ताकि तुम्हें जिस जिस दिन जो जो विधि होनी है वो सारी इस निमंत्रण कार्ड में लिखे हुए हैं, तो तुम्हें उसके अनुसार तारीख की जानकारी भी मिल जाएगी। फिर अंत में आप लिखेंगे मित्र आना अवश्य, यानी आप एक बार फिर अपने मित्र को यह रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम जरूर आना, तुम यहाँ आने का प्रोग्राम जरूर बनाना। फिर सबसे अंत में आप लिखेंगे कि सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, यानी तुम्हारे परिवार में जो भी बड़े हैं उन सभी को तुम मेरी ओर से प्रणाम करना कि मैंने उन लोगों को याद किया है और उन्हें भी शादी में आने के लिए आमंत्रित किया है। और सबसे अंत में आप लिखिएगा तुम्हारा प्यारा मित्र गौरव, यानी आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ जो भी फॉर्मेट हैं, अनौपचारिक पत्र के फॉर्मेट काफ़ी थोड़े छोटे होते हैं, तो यहाँ पर जो भी फॉर्मेट है ये आप ज़रूर लिखिएगा ऊपर में और नीचे में। आप इस साइड आप इसे मत लिखिएगा, दाहिनी साइड आप लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, तब वह पत्र आपका रॉन्ग हो जाएगा। और सब्जेक्ट में आपने देखा कि मैंने करीब करीब सारी बातें लिखी हैं कि एक तरफ से मैंने अपनी खुशी का भी इजहार किया है, दूसरी तरफ अपनी बहन की शादी के बारे में भी बताया और उसे अपने मित्र को शादी में आने के लिए इनवाइट भी किया, और साथ ही साथ ये भी बता दिया मैंने कि मैं निमंत्रण पत्र भी भेज रहा हूँ ताकि तुम्हें जो भी शादी के विधि व्यवहार है उसकी तारीख को देखने में आसानी हो। और अंत में मैंने फिर उससे रिक्वेस्ट भी किया कि तुम इस शादी में आने की कोशिश ज़रूर करना अपने पूरे परिवार के साथ। तो इस तरह से सारी बातें मैंने इस सब्जेक्ट में लिख दिया है। तो मेन टॉपिक आपका ज़रूर, आपके टॉपिक से सब्जेक्ट का मिलना बहुत ही ज़रूरी है और ये खास बात होती है किसी भी पत्र लिखने की, ये सबसे खास बात होती है। तो ये मैंने आपको पत्र आज मैं भेज रही हूँ, आप इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में जैसा मैंने लिखा है आप ठीक उसी तरह इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में उतार लीजिएगा। थैंक यू क्लास।